ठीक है, तो ये लेक्चर 5 है, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ एंट्रेंस. ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. ओके, सो आज लास्ट है, और ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से एकदम लास्ट एकदम, मतलब मैं अभी इसके बाद वापस कभी ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग वापस करेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा है, वी विल अगेन डू इट. ओके, बट आफ्टर ऑल अवर सिलेबस इज कम्प्लीट. सो इनवर्स ट्रिगो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए ये टेबल. करेक्ट, दैट इज द पीवीबी टेबल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल. ये हमने बहुत बार किया है. करेक्ट, दिस इज द पीवीबी टेबल. करेक्ट, सो इसमें से आपको डोमेन एंड रेंज दोनों याद होनी चाहिए. डोमेन एंड रेंज. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ये है एक आपका क्वेश्चन, इसका डोमेन एंड रेंज बताओ. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर साइन ऑफ कुछ भी है तो साइन ऑफ वो होता है एंगल. करेक्ट, और अगर साइन इनवर्स है तो वो होता है वैल्यू. करेक्ट, अगर आपको बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज बताओ. ओके, इसका रेंज बताओ, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा वैल्यू, है ना. नाउ दिस इज द वैल्यू. सो रेंज आपको साइन इनवर्स का तो ऑलरेडी पता है, इट इज ऑलवेज द पीवीबी ब्रांच. बट अगर डोमेन पूछ रहा है, ठीक है, डोमेन मतलब क्या, इट इज गोइंग टू बी द वैल्यू. अभी साइन का हमें पता है -1 to 1, राइट, ऐसे. सो व्हेनेवर दे आस्क यू अबाउट साइन इनवर्स का रेंज एंड वैल्यू, तो साइन इनवर्स फंक्शंस के रेंज हमेशा पीवीबी, ये तो फिक्स्ड है, ये हमने पढ़ा भी है. डोमेन कभी अगर पूछ ले देन वी गेट कंफ्यूज्ड कि डोमेन क्या है. यू नो द आंसर बट बिकॉज हमने उसको ट्रिगो में उल्टी तरह से पढ़ा है, क्योंकि अगर इसका आपको डोमेन एंड रेंज पूछे, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आएगा, एंगल है. करेक्ट, तो इसका डोमेन आएगा एंगल ही, -π/2 to π/2, एंड इसका रेंज आएगा -1 to 1. तो साइन का रेंज और डोमेन उल्टा होता है, साइन इनवर्स का मतलब उल्टा होता है. करेक्ट, ऐसे. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ओके, दिस इज द टेबल. इसको याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है. दोस थ्री फ्रेंड्स, करेक्ट, बेस्ट फ्रेंड, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, दीज आर द फर्स्ट थ्री फ्रेंड्स, एंड देन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स. करेक्ट, तो बस वही सब फंडे याद रख के ये पीवीबी वाला जो कॉलम है वो हमेशा याद रखना है. देन इसके बाद वी हैव सीन सम प्रॉपर्टीज. ओके, सो दीज आर द इनवर्स एंड नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टीज. दीज आर लाइक द प्लस, लाइक साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाई टू, ये वाले भी देखे हमने. फिर ये है टैन इनवर्स वाला. करेक्ट, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू दिस. सो आज हम लोग ये वाले, ये जो फॉर्मूला है ये भी काफी यूज करने वाले हैं. देन ये भी फॉर्मूले पता है आपको, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, अगर टू टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स है सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, टैन इनवर्स ऑफ 2x/1 - x². सी, हमने ये देखा है ना टैन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इट इज ऊपर ऊपर से साइन बट अंदर ही अंदर वो कॉस की तरह है. सो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव. करेक्ट, यस. सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. ओके, साइन इनवर्स सेम 2x रहेगा बट 1 + x², क्योंकि वो पॉजिटिव है, साइन बंदा हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, एंड इन दोनों को डिवाइड करोगे, पहले दो ही याद रखो, टैन इनवर्स और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा. यस, सो टू टैन इनवर्स को हम लोग तीन तरह से लिख सकते हैं, टू
tan inverse of x. You can write down it in three ways. That is, एक तो tan inverse के form में, sin inverse के form में and cos inverse के form. It will depend on your question. Okay, so remember this. We are going to use this in today's class. There. हाँ, ये वाले formulas मैंने बताए थे आपको while doing the mind map. Do you remember? Yes. तो इसमें से भी ना कौन सा वाला मैं बता रही हूँ, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई. तो ये वाला जो फॉर्मूला है ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एंड ये कॉस वाला फॉर्मूला आज बहुत यूज होने वाला. तो इन दोनों फॉर्मूला से भी आपका काम चल जाता है. ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला से भी आपका काम चल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस. सो व्हेनेवर यू विल सी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई या फिर कॉस इनवर्स ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अनदर एंगल, सो यू कैन यूज दिस. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस टू फॉर्मूलेज ऑल्सो टुडे. तो ये फॉर्मूलेज हमने कभी भी एक्सरसाइज बोर्ड्स वाले सम्स करते टाइम नहीं यूज किए थे, इसलिए आज हम लोग यूज करेंगे. सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि हाँ भाई ये भी कुछ है, ये भी हम कर सकते. अभी अगर ये याद नहीं आ रहा है इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम माई माइंड मैप. ओके सी, यहाँ पे ही दिखाया है मैंने, सेम है. कि अगर हम इसको ए और बी अज्यूम करें, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस एज ए एंड दिस एज बी. तो साइन ए क्या, मतलब अगर मैं साइन को दूसरी तरफ ले लू तो इट विल बी साइन ए इज इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इज इक्वल टू वाई, करेक्ट. तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट. तो साइन ए को मैंने लिखा एक्स, कॉस बी, अगर साइन बी वाई है तो कॉस बी विल बी रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर एंड सेम मेड दिस. और सेम तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो. इसको ले लो ए, इसको ले लो बी. तो देयरफॉर आपको कॉस ए मिलेगा एक्स और कॉस बी मिलेगा वाई. ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस, राइट, क्योंकि कॉस निगेटिव है ना, साइन ए साइन बी. ठीक है, अभी देखो कॉस ए कौन है, एक्स, तो एक्स वाई, कॉस बी इज वाई माइनस. अभी कॉस, अगर कॉस ए एक्स है तो साइन ए कौन होगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी एंड दिस विल बी वन माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, देखो सेम ब्रैकेट मिला है मुझे और बाहर कॉस इनवर्स. ओके यस, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, नो नीड टू बाय हार्ट इट. बट यस, अगर आपको इसको याद रखना है ना तो एटलीस्ट आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर तीन चार बार भी लिखोगे ना देन ऑल्सो इट विल बी यू नो एटलीस्ट एक थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये कैसे हमने डिराइव किया. यस, अगर प्लस है तो बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस है तो बीच में प्लस साइन आएगा, इतना तो हमें पता है. साइन में अगर प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस, दैट वी नो बिकॉज वी नो व्हाट आर साइन एंड कॉस, दोनों का कैसा है रिलेशन एक दूसरे से वो हमें पता है. ठीक है, तो दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. ओके, इसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी बुक में लिख लो ऊपर की तरफ इनको, एंड ये जो टैन का मैंने बताया ना इसको, दिस वन एंड दिस वन, जस्ट नोट देम डाउन. प्लस और माइनस साइन वाला याद रखना बस.
फिर आज मैं थोड़े से शॉर्टकट्स भी बताने वाली हूँ टू सॉल्व एनी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सम. डन. यस मैम. यस ओके. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पे आपको छह इक्वेशंस दिख सकते हैं. यू आर सीइंग सिक्स फॉर्मूलेज हियर, बट आपको अलग अलग याद नहीं रखना. आपको बस फर्स्ट और ये वाला इतना ही याद रखना है. प्लस और माइनस का रिलेशन याद रखना है, कहाँ पे प्लस आएगा तो कहाँ पे आएगा प्लस, एंड दैट्स इट. ठीक है, डू इट स्मार्टली, एकदम गधा मजूरी नहीं करना है हमें. स्मार्टली सब कुछ करना है. ठीक है, ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सम्स, आई एम गोइंग टू शो यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स दैट वी कैन यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, यस. Yes. और एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये हमेशा काम करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में इट विल वर्क, बट नॉट 100%. आई कैन टेल यू इट कैन वर्क 95%. ओके, इन 95% ऑफ क्वेश्चंस ये ट्रिक काम कर सकती है, बट 100% काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं कि वहां पे आपको थोड़ा अलग ही सोचना पड़ेगा. बट येस, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस, सॉल्व एनी क्वेश्चन इफ यू फील कि आप हाँ इसमें शॉर्टकट ट्रिक कर सकते हो. तो पहले आप करके देखो, बी वेरी श्योर कि आपने जो भी किया है वो करेक्ट है, एंड देन ओनली मार्क योर आंसर. ओके, या सो क्योंकि ये कोई ऐसा वेल डिफाइंड फीचर तो है नहीं, या फिर किसी ने बुक में लिख के दिया है कि हाँ आप यही पे यूज करो. ये कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स बने हैं? बाय ऑब्जर्विंग. करेक्ट, आप बहुत सारे सम्स अगर सॉल्व करते हो तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कुछ सम्स के लिए कि हाँ मैं अगर ऐसे टाइप से ये सम सॉल्व करूंगी तो मुझे ये जल्दी आंसर आएगा. तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करके शॉर्टकट ट्रिक बनती है. सो इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक क्वेश्चन के लिए ये काम करे. ठीक है, एंड इट इज अबाउट ऑल द शॉर्टकट ट्रिक्स, नॉट ओनली दिस वन. राइट, सो यस, इसका नाम है, इस शॉर्टकट ट्रिक का नाम है वन और सॉरी जीरो और वन, नहीं उल्टा उल्टा, वन और जीरो इज माय सुपर हीरो. ओके, क्या नाम है इस ट्रिक का? मैम ऐसे ही ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था. हाँ, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? मैट्रिक्स. हाँ, किसमें किसमें? मैट्रिक्स. यस, करेक्ट करेक्ट. तो उसमें क्या करते थे हम लोग वन और जीरो के साथ? सब्स्टिट्यूट करते थे क्वेश्चन. करेक्ट, ये सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना? तो वैसे ही कुछ करना है यहाँ पे भी, इसलिए मैंने इसको वही नाम दिया है, वन और जीरो इज माय सुपर हीरो. तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है. ठीक है, बट कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करें वो थोड़े कुछ एग्जांपल से मैं दिखाती हूँ.
एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. यस सी एग्जाम्पल वन. इफ x is greater than 0, y is also greater than 0, and x is greater than y, okay, then tan inverse of x by y plus tan inverse of x plus y upon x minus y equals to what? ठीक है, और हमें options दिए हुए हैं. option A is minus pi by 4, option B is pi by 4, option C is 3 pi by 4, and option D is none. तो अगर किसी को कुछ सूझ रहा है तो आप start कर सकते हो, ठीक है, but मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि सबसे पहले ऐसी वैल्यूज पुट करो x की और y की. आपको x और y दोनों पुट करना है, 0 या 1. तो कभी कभी आपको x 0 y 1 या फिर y 0 x 1 ऐसे उल्टा लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी x और y दोनों 0 लेना पड़ेगा या फिर y x और y दोनों 1 लेना. सो दैट विल डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन. और ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और कुछ भी वैल्यू डालने के बाद आपको अनडिफाइंड आंसर नहीं मिलना चाहिए. ओके, यू शुड नॉट गेट एन अनडिफाइंड आंसर, नहीं तो इसका कोई पॉइंट नहीं. ठीक है, इन दिस केस आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पुट एक्स एंड वाई सॉरी बोथ इक्वल टू 1. ओके सी, सो फॉर मी आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट एक्स y both are equal to 1. ठीक है, so क्या होगा उसकी वजह से, therefore this will be tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 by 0. अभी आप बोलोगे कि ये तो undefined हो गया है ना, 2 by 0, but figure not, because tan inverse of undefined is what, pi by 2. yes, तो पहले वाले का आंसर आ गया pi by 4 प्लस पाई बाय टू, करेक्ट. तो इवन दो यहाँ पे जीरो आया है, डिनोमिनेटर जीरो बन गया, बट स्टिल टेन इनवर्स है बाहर, तो हमें वैल्यू तो बराबर मिला, करेक्ट. अगर इसका वैल्यू ही मुझे अनडिफाइंड मिलता, अगर यहाँ पे एंगल ही नहीं मिलता, देन मेरा सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग. ओके, अभी इसका बस आपको एड करना है, वॉट दिस विल बी 3 पाई बाय 4 and that is your answer. See कितना fastly solve हो गया. अगर ये नहीं होता हमारे पास, ठीक है, तो क्या करते हम लोग, हम लोग इसको tan inverse of x plus tan inverse of y वो वाले formula से solve करते. so उसको solve करने में at least 1 या 2 minute तो लगता आराम से, at least 1 minute तो लगता है कि नहीं. इसको कितना लगा? yeah. only 10 to 15 seconds, correct? Yes. Yes. And मैंने 1 भी लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी कंडीशन दिया है, दोनों ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट, राइट. हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट ठीक है, इट्स फाइन. बट ये तो हो रही है, एटलीस्ट 0 मोर देन 0 है, ठीक है. और कभी कभी ना 1 और 0 से भी काम नहीं चलता, तो आपको कुछ और वैल्यू भी लेके देखना पड़ सकता है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन चलेगा. वो कभी समझेगा, व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टूड दिस वन? यस मैम. मैम, ओके, यस मैम, वहां पर क्वेश्चन मत दिया कि x का वैल्यू ग्रेटर देन y. हाँ, यस, वही मैं बोला कि अगर x का वैल्यू अभी यहाँ पे ना एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी चलेगा ना. यस यस, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 पे आपको ये आंसर मिले, मे बी किसी और वैल्यू पे भी ये आंसर मिल सकता है, ठीक है. सो हमने सिर्फ एक अज्यूम किया है कि 1 पे मुझे मिल रहा है आंसर, तो
एक्स ग्रेटर देन वाई भी हो सकता है, कोई और वैल्यूज लेके देखो एक्स और वाई के, जहां पे भी आपको ये वाला आंसर मिले. सो इट इज पॉसिबल, देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, बट वी आर टेकिंग द वेरी सिंपल नंबर्स 1 and 0, बहुत ही बेचारे सिंपल से नंबर्स है इसीलिए. ओके मैम, अगर इसको हम लोग 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -π/4 आएगा. 0 और 1, अच्छा tan इनवर्स ऑफ 0. What will be tan inverse of 0? 0 degree. हाँ, तो वो 0 degree आ गया ना. तो 0 degree नहीं आना, मतलब देखो 0 आया तो आप मतलब यहां से आंसर आएगा. सो एक समझ लो, आपको इन दोनों को एड करना है, राइट? तो 0 प्लस एनीथिंग मतलब इसी का आंसर आपको मिलेगा. तो -π/4, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, दिस विल बी -π/4. तो यही से समझ जाओ ना. जीरो एक्स ग्रेटर देन वाई चाहिए ना. हाँ, और हमें जीरो भी तो नहीं चाहिए, देखो ये भी तो कंडीशन है. तो अब जीरो पुट ही नहीं कर सकते, राइट? यस. इसीलिए एक तो ग्रेटर देन चाहिए और वो जीरो भी नहीं चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू. या सो क्वेश्चन में भी अगर कोई कंडीशन दी है तो वो भी हमें देखनी पड़ेगी ना. और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखो और अच्छे से समझेगा. इफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बाय थ्री इक्वल्स टू थीटा है, ठीक है, देन देन 9x² - 12xy cos theta plus 4y² equals to what? और आपको ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन ए इज 36, ऑप्शन बी इज -36 sin² θ, ऑप्शन सी इज 36 sin² θ, ऑप्शन डी इज 36 cos² θ. ओके, सो अभी अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको ना बताऊं तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो. कौन सा वाला फॉर्मूला जो मैंने आज आपको बताया ना, ये वाला, इससे आप सॉल्व कर सकते हो. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई. तो आपको बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, बट वो फॉर्मूला ही खुद ही देखो कितना बड़ा है. आप उसको सॉल्व करोगे आपको कुछ अलग ही आंसर मिलेगा. देन यू हैव टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म एंड देन इसका RHS में क्या मिलेगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी. वैसा ये इस टाइप का और एक सम है आगे, वो वाला मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी यूजिंग द फॉर्मूला. बट वी कैन डू वन वेरी शॉर्टकट, वेरी नाइस शॉर्टकट मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. और इसमें एक्स और वाई का कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, सो दैट इज वाई मैं क्या करूंगी, मैं एक्स और वाई का ऐसा कुछ अज्यूम करूंगी सो दैट मुझे वैल्यू जल्दी मिल जाए. नाउ इफ लेट्स अज्यूम मैं x इक्वल टू 0 लेती हूँ और y इक्वल टू 1 लेती हूँ. आप दोनों भी 0 ले सकते हो, दोनों भी 1 ले सकते हो, उल्टा ले सकते हो, कुछ भी. बट हाँ, उसके बाद क्या हो सकता है वो थोड़ा सा पहले सोचो. अगर मैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लू तो मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, पहले तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. इससे तो मुझे दोनों का आंसर मिल जाएगा, नो वरीज. बट मुझे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा 0,
ये मुझे कुछ तो वैल्यू, ये भी जीरो और ये मुझे कुछ तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है. सो दिस कैन बी वन थिंग. और x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे भी मुझे वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे ये वन मिलेगा, मतलब ये कुछ तो वैल्यू मिलेगा इसका, ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा. सो दोनों केसेस में मुझे सिर्फ यहाँ से एक ही कोई भी टर्म का वैल्यू मिलेगा, ठीक है. वो एक चीज हो गई. बट इफ आई पुट बोथ जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, अगर मैं दोनों जीरो पुट करूं ठीक है, अगर मैं दोनों जीरो पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये सारे टर्म जीरो 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 हो जाएंगे ना और आंसर जीरो मिलेगा. तो ऐसे मत करना, जहां पे भी आपको आंसर पूरा जीरो 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 मिल रहा है ना, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है सब्स्टिट्यूशन, तो ये वाला मत. तो फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हो. आई एम गोइंग टू गो विथ सेकेंड, ठीक है. आई एम गोइंग टू यूज द सेकेंड वन. यस, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल्स टू जीरो. So that will be cos inverse of 1 by 2. ठीक है, क्यों 1 by 2 ही किया मैंने, क्योंकि 1 by 2 का मुझे पता है ना, it is a standard, but 1 by 3 का नहीं पता, इसलिए मैंने y 1 नहीं लिया, उसको 0 बना दूंगी मैं, प्लस cos inverse of 0. तो ये दोनों स्टैंडर्ड है, मुझे पता है वैल्यूज, yes or no? Yes. 1 by 3 का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप ले सकते हो. आई हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट. सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 by 2 विल बी व्हाट, पाई बाय 3 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, करेक्ट. सो दिस विल बी ओनली पाई बाय 6, ये थीटा है. व्हाट विल बी थीटा, ठीक से करो. मतलब 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 इंटू 0 इंटू कॉस 5 पाई बाय 6 प्लस 4 इंटू 0, तो ये तो 0 बन गया. मुझे क्या मिला यहाँ से, आंसर सिर्फ 9, करेक्ट. तो ये जो पूरा इक्वेशन है ना, इसका वैल्यू क्या है, 9. अभी आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, यू हैव टू चेक ऑल ऑप्शंस कि किस ऑप्शन से आपको 9 मिलता है. देखो ऑप्शन ए तो 36 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला, करेक्ट. ऑप्शन बी में क्या है, माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा. अभी थीटा की जगह पे 5 पाई बाय 6 पुट अप करो. दूसरे ऑप्शन, हाँ करेक्ट, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 6 कितना आएगा, व्हाट इज 5 पाई बाय 6 इन डिग्रीज, 150 डिग्रीज. अभी 150 डिग्रीज का तो मुझे स्टैंडर्ड कुछ पता है नहीं, बट मैं इसको 90 प्लस 60 कर सकती हूँ या 180 माइनस 30 कर सकती हूँ, करेक्ट. हाँ, तो इसको ना साइन 180 माइनस 30 करती हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, साइन 30, राइट, दैट इज 1 बाई 2 माइनस 36 इंटू 1 बाई 2, तो ये क्या बनेगा, बट इसका स्क्वायर चाहिए. हाँ, इसका स्क्वायर चाहिए. सो 36 by 4 is minus 9, but मुझे तो plus 9 चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा. अभी यहाँ पे देखो 36 sin square theta, तो ये minus नहीं आएगा, so therefore your answer will be C. अगर C में substitute करोगे तो answer 9 मिलेगा. 36 sin square theta, that is 36 into 1 by 4, क्योंकि previous step से ही आपको पता है sin square theta का value क्या है, 1 by 4. That is 9, which is correct. Okay. Last वाले में भी आप करके देख सकते हो, cos square है, वो भी नहीं आएगा.
समझा है? सो दिस इज हाउ यू डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ तो यहाँ पे भी मैंने x और y को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी x और y को सब्स्टिट्यूट किया. जो भी आंसर मिला है आई एम गोइंग टू इक्वेट माई ऑप्शन टू दैट आंसर. और ये जीरो और वन क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे 1/3 स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए 1/2 स्टैंडर्ड है और जीरो का मुझे वैल्यू पता है इसीलिए. ओके यस. सो यू हैव टू ऑब्जर्व. या व्हाट शुड आई रिपीट निखिल? यस. सो बेसिकली कैसे किया मैंने ये, हमें सब्स्टिट्यूशंस करने हैं. तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक तो आप 0 1, 1 0, 0 0 या 1 1, ऐसे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो मैंने पहले आपको दो ऑप्शंस दिखाए कि ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 0 और 1. बट अगर यहाँ पे 0 मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी और यहाँ पे 1, तो ये 1/3 आ जाएगा. कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 इल है, मुझे नहीं पता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस. ओके, 1 और 0, इफ आई सब्स्टिट्यूट 1 और 0, सो ये होगा 1/2, ये होगा 0. हाँ ये दोनों स्टैंडर्ड है, मुझे पता है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज बोथ जीरोस. तो ये तो 0 0 आ जाएगा, π/2 आता, करेक्ट, दैट विल बी पाई. बट यहाँ पे मुझे सब कुछ 0 मिलता, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. जहां पे सबको 0 मिले ना, वो करो ही मत. ठीक है, आंसर आएगा कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सम मिस्टेक, इट विल गिव यू सम मिस्टेक. ओके, सो 0 0 भी नो, 1 1 अगर 1 1 करते हो, मतलब x और y दोनों 1 1, तो ये 1/2, ये 1/3, वापस आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, है ना? सो इसको भी नहीं. तो चार ऑप्शंस में से यही सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, मुझे करेक्ट लग रहा है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर ये सब्स्टिट्यूशन मैंने पहले इसमें किया, देन इसमें किया. ठीक है, सो मुझे थीटा का वैल्यू मिला और ये 9 मिला. इसका मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है इसका वैल्यू है 9. अभी मुझे देखना कि कौन से ऑप्शन से मुझे 9 मिलता है. मेरे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 36, तो वो तो बिल्कुल 9 नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन में थीटा की जगह पे मैंने 5π/6 पुट किया, सो आई हैव गॉट इट एज -9. तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज +36, तो ये 9 मिलेगा. ठीक है, थर्ड ऑप्शन में मुझे 9 मिल चुका है, तो फोर्थ ऑप्शन के पास में गई ही नहीं. इफ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड चेक, बट इट विल नॉट गिव यू 9. ओके यस, अंडरस्टूड. ठीक है, सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअल सम्स. ठीक है, और इसमें से कुछ कुछ GEE के भी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हम लोग वो भी प्रिपेयर करेंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यू नो लुकिंग फॉर CET, बट अगर आप GEE की प्रिपेयर करते हो तो CET भी अपने आप हो जाता है, क्योंकि उससे बस एक लेवल कम है CET, राइट? तो इट इज लाइक नॉर्मल, दोनों सेम. बट जिसको लाइक प्रॉपर क्रैक करना है GEE मेंस, उसको थोड़े से और एडवांस लेवल के सम सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू π/2 and x is greater than 3/4, then x is equal to. So यहाँ पे भी आप सोचोगे कि मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं क्या? शायद कर सकते हो, बट आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी ध्यान से, x should be greater than 3/4. ओके, तो ऐसा कोई वैल्यू अगर आपको पता है जो ग्रेटर देन 3/4 है और जिससे आपको यहाँ पे भी एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड मिले, तो यू कैन डू. अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला बेस्ड भी आपको करने आना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड विल नॉट वर्क एवरी टाइम. ओके, क्योंकि वन
एंड जीरो हम तो पुट कर नहीं सकते यहाँ पे, या कर सकते हैं? थ्री बाय फोर है ना, सो इट इज वन इज ग्रेटर देन थ्री बाय, हाँ वन कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ये तो टू बाय थ्री हो गया और ये थ्री बाय फोर हो गया। आर दिस स्टैंडर्ड वैल्यूज? नो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सिर्फ एक्स निकल जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं मिल रहा है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर, लेट मी जस्ट ट्राई बाई यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, अभी यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दो तीन बार भी ये फॉर्मूला अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आ जाएगा, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो ये फॉर्मूला है आपका, x कौन है, दिस इज योर x, दिस इज योर y, पूरा। नाउ लेट अस डू सॉल्यूशन। सो cos इनवर्स ऑफ x 2 बाय 3x इंटू 3 बाय 4x माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर 4 बाय 9x इंटू वन माइनस 9 बाय 16x। ओके, स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना समझा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला? एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये मत भूलना। ठीक है, ये गिवन ही है क्वेश्चन में। नाउ इफ आई टेक cos inverse on both sides, तो ये cos inverse निकल जाएगा and ये बन जाएगा cos inverse। ठीक है, नहीं sorry, taking cos on both sides, तो ये cos inverse निकल जाएगा और ये cos pi by 2 बनेगा। ठीक है, so ये बचेगा क्या, देखो ये तो cancel out हो जाएगा, 3 3 2 2, ठीक है, ये बचेगा 1 by 2x minus, अभी इसका LCM ले लो, this will be 9x square minus 4 upon 9x square and this will be 16x square minus 9 upon 16x square equals to cos pi by 2. Okay, now what is cos pi by 2? 0. Okay, very good. So main रूट वाले टर्म्स को दूसरे साइड शिफ्ट करूंगी, सो दैट आई कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट, सो दैट आई कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। नाउ 9 6 सा 9 इनटू 16 कितना आता है? 144। ओके, यस, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 9x square minus 4 into 16x square minus 9. मुझे denominator बताओ। 3x and 4x. 3x into 4x. हाँ। दोनों को square root ले लूंगी मैं, क्योंकि नीचे denominator में perfect square है। So this will be what? 12x square. वो 1 by 2x square होना चाहिए। हाँ, right, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे भी denominator में square था, correct, 16x square minus 9 upon 12x square, तो ये x square cancels, 2 1s are 2 6s are, correct, yes, so ये क्या मिलेगा, अभी देख हम लोग इसको पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब साथ में लिखेंगे। 6 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 एंड 16x स्क्वायर माइनस 9, ऐसे में लिखती हूँ। अभी आई कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, नो प्रॉब्लम,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट डू आई गेट 36 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4 16x स्क्वायर माइनस 9. इन दोनों को आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन यू विल हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स राइट साइड. आपको x स्क्वायर इक्वल टू या फिर x रेस टू 4 आएगा बेसिकली. 9 इंटू 16 विल बी 144 x रेस टू 4. तो x रेस टू 4 इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा. सो दैट यू कैन सॉल्व आई गेस. ओके राइट. What you will get, see 144 x raised to 4 एक आपको value मिलेगा and 145 x square ये मिलेगा एक value. So मुझे चाहिए x raised to 4. मैं ऐसे लिखती हूँ x raised to 4 या फिर यहाँ से square और यहाँ से एक square ऐसे भी निकल सकता है right. अगर ऐसा नहीं करना है आपको actually x के values चाहिए हमें. So x raised to 4 equals to 145 x स्क्वायर अपॉन 144 में कर सकती हूँ. ठीक है. तो इसके मुझे क्या रूट्स मिलेंगे? चार रूट्स मिलेंगे है ना. मुझे चार रूट्स मिलेंगे. सो दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 145 बाय 12 एंड जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि एक्स स्क्वायर है. देखो अगर आप इसको यहाँ पे लेके आते हो ना तो एक्स स्क्वायर एक आपको मिलेगा जीरो. एक तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस. सो मुझे यहाँ से प्लस और माइनस ये मिल गया. बाबी हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. ठीक है. तो मुझे चाहिए एक्स ग्रेटर देन 3/4 मतलब निगेटिव तो चलेगा नहीं राइट. सो कौन सा वैल्यू है मेरा? ऑप्शन ए. देखो 145/12 रूट ऑफ है ना. तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बिकॉज सिंस एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 तो यहां से मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव रूट ऑफ 145/12. जीरो भी नहीं चलेगा माइनस वाला भी नहीं चलेगा. दैट इज ऑप्शन ए. गॉट इट एवरीवन? एक बार रिपीट. Yes, yes, I'm going to repeat. So, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है. लेट मी हाईलाइट द फॉर्मूला फॉर यू गाइस. ओके यस. क्या है फॉर्मूला? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. हमारा एक्स कौन है? एक्स और वाई भी मैंने यहाँ पे बताया है. ओके सो एक्स और वाई मैंने बता दिया. अभी मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स इंटू वाई माइनस रूट इक्वल्स टू पाई बाई टू. कॉस इनवर्स को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ कॉस कॉस ले लिया. कॉस इनवर्स हट चुका है. यहाँ पे आएगा स्क्वायर बिकॉज ये यहाँ पे एक्स था यहाँ पे भी एक्स था तो वो स्क्वायर और टू टू एक्स स्क्वायर रूट कॉस पाई बाई टू. नाउ कॉस पाई बाई टू इज जीरो. सो मैंने ये जो माइनस रूट का टर्म था वो आर एच एस में शिफ्ट कर दिया एंड डिनोमिनेटर्स में परफेक्ट स्क्वायर्स थे तो 3x एंड 4x मुझे मिल गया. इसका आंसर आया 12x स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे भी x स्क्वायर था तो कैंसिल आउट x स्क्वायर. 2 1s are 2 6s are. देन आई हैव टेकन 6 ऑन दिस साइड. ये मिल गया. नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है यू विल गेट 36 एंड ये दो ब्रैकेट. इन दोनों ब्रैकेट्स को आपको एक्सपांड करना है मल्टीप्लाई. सो एक्सपांड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा. ठीक है. 144 x raised to 4 equals to 145 x square. All right. So that is nothing but this. So चाहिए तो आप x square और यहां से भी x निकाल सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो. वैसे भी उसका जीरो जीरो ही मिल रहा है. ठीक है. सी व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ से स्क्वायर यहाँ से ये तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मिल जाएगा. दैट इज नथिंग बट प्लस और माइनस वन रूट ऑफ 145 बाय 12. नाउ हमें कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 3/4
तो ऑब्वियसली निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो कि है ऑप्शन ए. ओके ठीक है आगे बढ़े. यस चलिए सो नंबर टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse of cot of 43 pi by 4. Yes. Now, this is a very interesting sum. अपने को principal value चाहिए. तो याद करो principal value branch याद करो. Minus pi by 2 के और pi by 2 के range के अंदर. Okay, but 4 pi by एक तो देखो cot of tan inverse of something चाहिए. ठीक है tan inverse of something चाहिए मुझे this value. तो ये PVB में आनी चाहिए. करेक्ट tan inverse का PVB क्या है? What is tan inverse का PVB? Minus pi by 2 to pi by 2. That also round brackets. तो ये 43 पाई बाय 4 क्या इन दोनों के बीच में आएगा? नो इट इज वेरी बिग. राइट इट इज वेरी बिग. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये छोटा हो जाए. वी हैव टू स्प्लिट दिस 43 पाई बाय 4 सो दैट यू कैन गेट इट इनसाइड पाई बाय माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ओके सो कैन आई राइट दिस लाइक दिस टैन इनवर्स ऑफ cot of 4 and 43. ठीक है तो I can write is 11 pi minus pi by 4 करके देखो 43 pi by 4 आ रहा है क्या? 11 pi है ना. अभी देखते हैं 11 pi मतलब आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे. सी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे pi, यहाँ पे अगेन 2 पाए, पाए एंड हाफ, 3 पाए. हाँ तो ऐसे घूमो. राइट ये 1 चक्कर से 2 पाए हो जाएगा, सेकेंड चक्कर से 4 पाए, 6 पाए, 8, 10 और फिर यहाँ पे आओगे ना वापस तभी 11 पाए मिलेगा. 11 पाए ठीक है. सो 11 पाए माइनस तो ये यहाँ पे आएगा. करेक्ट यहाँ पे आएगा. नाउ यू नो इन दिस क्वाड्रेंट cot इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव राइट. ये समझा सबको क्या किया मैंने? इतना 11 पाई बोला है तो 11 पाई घूमो आप. कितनी बार घूमना पड़ेगा देखो? 5 टाइम्स. ठीक है 5 टाइम्स घूमना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप आओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आके रुकोगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में योर cot इज नेगेटिव. Correct. So you will get tan inverse of minus cot pi by 4. ठीक है. Now minus cot pi by 4 कितना आएगा? Minus 2 root. Minus under root 2. अरे? Cot pi by 4. 1 ना. See cot pi by 4 is 1. तो ये minus sign बाहर और tan inverse of minus 1 is what? Minus pi by 4. करेक्ट दैट इज योर आंसर ऑप्शन डी. ओके सो ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा है. इट विल नॉट कम इनसाइड पीवीबी एंड हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही चाहिए बोला हुआ है तो इट शुड बी कम इनसाइड पीवीबी ओनली. सो मैंने इसको स्प्लिट किया. 4 एंड 43 मुझे कुछ तो पाई के फॉर्म में स्प्लिट करना था तो आप उसको 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कर सकते हो. बट 11 पाई पे आपको मिलेगा 11 पाई. सो 4 इंटू 11 44 माइनस 1 43. ठीक है दैट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट नंबर 3 सॉल्व फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है तो एक्स के लिए सॉल्व करना मतलब एक्स का वैल्यू हमें चाहिए. आपको कंडीशन दिया है साइन इनवर्स of x is greater than
cos inverse of x, और x belongs to 0 and 1, ठीक है, mainly x का range होता है from minus 1 to 1, है कि नहीं, sin और cos के लिए, yes ma'am, yes, but यहाँ पे बोला है कि वो 0 to 1 है, मतलब positive है, so अगर ये condition है, okay, so मुझे x equal to x greater than x less than क्या है, ये मुझे पता करना है, ठीक है, तो एक तो आप दोनों को sin inverse में लेके आओ, या फिर cos inverse में लेके आओ, ठीक है, so I can write this cos inverse, अभी मुझे sin inverse में मैं लेके आती हूँ इसको, sin inverse of x greater than, I can write this as pi by 2 minus sin inverse of x, can I write it like this? Yes ma'am. Why? Because sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. तो मैं सिर्फ cos को pi by 2 minus sin inverse लिख सकती हूँ. अभी ये sin inverse यहाँ पे लेके जाओ, तो बनेगा 2 sin inverse of x greater than pi by 2. तो cos निकाल दिया मैंने. अभी ये 2 को वापस यहाँ पे लेके आओ, ये बनेगा sin inverse of x greater than pi by 4. करेक्ट, नाउ टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, सो ये बनेगा x ग्रेटर देन साइन 4, सॉरी साइन पाई बाय 4, व्हाट इज साइन पाई बाय 4, 1 बाय 2, 1 बाय अंडर रूट 2, या सो x इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2, ओके, बट क्यू, बट हमें कुछ तो दिया है ना क्वेश्चन में, क्या दिया है, x belongs to 0 to 1, that is 0 less than x less than 1, अभी 1 by root 2 इन दोनों के बीच में आता है क्या, ठीक है, अगर x greater than 1 by root 2 है, देखो अभी मैं एक number line से आपको समझाती हूँ, ठीक है, suppose यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और 1 by root 2 कहाँ पे आएगा, somewhere here, let's say, तो मुझे question में दिया है कि x इन दोनों के बीच में है, ठीक है, but जब मैंने solve किया तो मुझे पता चला कि x तो यहाँ से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, है कि नहीं, Yes, मतलब वो यहाँ पे आएगा, तो basically आपका x इसके ही बीच में आएगा ना, यहाँ पे तो आएगा नहीं, correct, दोनों conditions को club करेंगे, ये condition था, see again I'm drawing, draw number line, this is 0, this is 1, ठीक है, आपको बोला था question में कि इन दोनों के बीच में x lie कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में x lie कर रहा है, but मुझे example solve करके क्या मिला कि x is greater than 1 by root 2, अभी 1 by root 2 शायद कहाँ पे, यही पे आएगा कहीं तो, ठीक है, मैं एक अंदाज से बता रही हूँ, मुझे पता नहीं exactly कहाँ पे है, but दोनों के बीच में आएगा, मुझे क्या बोला कि x is greater than this, मतलब x के बाद यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, तो इसके बीच में ही आएगा ना x, यहाँ पे आएगा क्या, possible है इस रेंज में, नो, ओके, तो जो क्वेश्चन में दिया था 0 टू 1 वो हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई, और रेंज और छोटी हो गई, तो इसके वजह से अभी देखो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 टू 1 के जगह पे मैं लिखूंगी 1 बाय रूट 2 टू 1, है कि नहीं, yes, बाकी कोई भी ऑप्शन फिट नहीं होगा, 1 बाय 2 आया मुझे कहीं पे, नो, 0 टू 1 तो क्वेश्चन में ही है तो वो तो आएगा नहीं आंसर, और 0 टू रूट 3 बाई 2 वो भी कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है, सो क्या किया मैंने, क्वेश्चन जो दिया था वही लिया, फिर आप चाहे तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट करके भी ये सॉल्व कर सकते हो, बट साइन से जरा जल्दी आंसर आ जाता है, ओके, एंड देन बस हमने साइन को निकाला, साइन इनवर्स को, x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन साइन पाई बाय 4 आ गया, x इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट, तो जैसे आप इक्वल टू वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो और x फाइंड आउट करते हो, वैसा ही करना है अगर ग्रेटर देन या लेस देन साइन आता है तो, ठीक है,
यस मैम। ओके आगे बढ़ते हैं नंबर फोर। इफ हाँ अभी ये देखो वापस वही टाइप आया है cos inverse of x minus cos inverse of y by 2 equals to alpha. Then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square equals to what? Yeah. तो मुझे बताओ इसका मेथड दो तरीके इसको सॉल्व करने का। एक तो आप फॉर्मूला से करो cos inverse of x minus cos inverse of y वो वाला फॉर्मूला से करो ठीक है, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज सब्स्टिट्यूशन हियर। इकडे ते अमरावती अकोला असल्या ते आपलं घर नाही, आपल्या घरात आपली घरी येतात म्हणजे येतात आपल्या इथे जवळ असल्या आणि हे औरंगाबादला असून पण जात। हॅलो येस ठीक आहे, तो कोण से मेथड से करे, फॉर्म्युला से या शॉर्टकट से? शॉर्टकट हाँ शॉर्टकट, आई नो शॉर्टकट से ही आपको अच्छा लगेगा, बट मैं जस्ट फॉर्मूला से आपको दो तीन स्टेप्स बता देती हूँ कैसे कर सकते हो ठीक है। सो यहाँ पे मेथड वन में ले रही हूँ पहले, मेथड वन दैट इज फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ वो भी मैं बता रही हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाय प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में यूज कर। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं अभी, एक्स इंटू वाई बाय टू माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ वन माइनस y square by 4 equals to alpha है, ये हो गया। अभी दोनों तरफ cos cos ले लो तो ये बनेगा xy upon 2 minus root of 1 minus x square root of 1 minus y square by 4 equals to cos alpha ठीक है। so मैं क्या करूंगी, अभी जो रूट है वो एक साइड पर रखूंगी और बाकी का दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगी ठीक है। हाँ और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, सॉरी प्लस साइन, यस। सो आई विल कीप रूट इन वन प्लेस एंड ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाय टू, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ओके एंड स्क्वायरिंग करने के बाद आपको कुछ भी यू विल हैव टू डू सम सेटलमेंट्स, थोड़ा एडजस्टमेंट, और आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है ठीक है। इस फॉर्मेट में लेके आओगे देन यू विल गेट समवन फ्रॉम हियर, बट नाउ लेट अस डू द शॉर्टकट। सो ये था ट्रेडिशनल मेथड, इससे भी कर सकते हो, इससे भी आंसर जरूर आएगा, बट मेथड टू आई एम शोइंग यू विच इज द शॉर्टकट वन। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट समथिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं जिससे मुझे आंसर फटाफट आ जाए? x0 एंड y1, यस x0 एंड y1 या फिर अच्छा मुझे बताओ cos इनवर्स ऑफ 0 कितना मिलेगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 ओके ओके। सो x0 एंड y1 ऐसे आप बोल दो ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर मैं एक काम करूंगी, मैं दोनों को वन वन ले ठीक है, फिर ऑप्शन ही आएगा कौन से इससे वन और जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स को जीरो एंड वाई को वन, फिर ऑप्शन ही आएगा ओके को जीरो और वाई को वन। हाँ क्योंकि आपको इसका वैल्यू वन मिलेगा ना सिर्फ,
यस मैम. ओके. और अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है? पाई बाय थ्री. पाई बाय थ्री पॉजिटिव. यस मैम. ओके. ओके. एक्चुअली ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आना चाहिए हमें. सी क्वेश्चन में कुछ आया तो नहीं गया. अल्फा शायद पाई बाय सिक्स आएगा. हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ना? वही मैं सोचो. ठीक है कोई बात नहीं. एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो तो यस. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ एक वैल्यू या दूसरा वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है. तो फिर कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको? मैं तो दोनों वन वन कर रही हूँ. ठीक है यस. मैं दोनों वन वन सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्क ऑफ टेकिंग जीरो. ठीक है सो इससे क्या होगा? सी ऑप्शन आ रहा है ना? करेक्ट यस. सो इससे क्या मिल रहा है मुझे देखो. कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई टू दैट इज अल्फा. सो अल्फा मुझे मिलेगा माइनस पाई बाय थ्री. करेक्ट. अल्फा मुझे मिला माइनस पाई बाय थ्री. एंड मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करती हूँ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर. सो फोर इंटू वन स्क्वायर माइनस फोर cos of minus pi by 3 plus 1. ठीक है. सो इसका मुझे आंसर क्या मिल रहा है? माइनस पाई बाय थ्री तो 1 बाई टू हो जाएगा. करेक्ट. सो दैट विल बी 4 माइनस 2 प्लस 1. इसका मुझे आंसर मिलेगा 3. ठीक है. अगर मैं 1 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो अभी मुझे चेक करने हैं ऑप्शंस. चेक ऑप्शंस to get 3. तो ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में कौन है? टू साइन टू अल्फा. दैट इज टू साइन माइनस टू पाई बाय थ्री. ओके. So this is not going to be 3, correct? Yeah, not equal to 3. आएगा ही नहीं. वही मैं सोचू. Yes, B option क्या है मेरा? B option is 4. तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है equal to 3. C option is 4 sin square alpha. That is 4 into साइन ऑफ माइनस पाई बाय थ्री स्क्वायर. दैट इज 3/2 हो जाएगा ये. ये 3/4 हो जाएगा. करेक्ट. दैट इज 4 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर. सो 3/4. सो ये हो जाएगा 3. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. राइट. यस. ओके यस. सो दूसरा सब्स्टिट्यूशन से भी आ रहा है ना? दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन. उससे भी ऑप्शन सी आ रहा है. राइट. करेक्ट. सो जहां पे भी कंडीशन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों
कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन करो वो आ सकता है आंसर, बट फिर अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, आंसर्स ऑप्शंस में भी, ओके okay? और जो भी एंगल अल्फा आ रहा है वो ठीक से सब्स्टिट्यूट करो, देन यू विल गेट करेक्ट आंसर, नहीं तो जैसे पहले थोड़ा सा गलत हो जाएगा पहले जैसा. सो बोथ द मेथड्स आर हियर, यू कैन ट्राई मेथड वन ऑल्सो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है, बट मेथड टू से आपको फटाफट और इजिली आंसर मिल जाएगा. Let us go to the next one. See, value of sine inverse of 12 by 13 minus sine inverse of 3 by 5. इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने लायक तो है नहीं, x और y. और क्या आपको लगता है ये दोनों ट्राइंगल सेम है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स? तो आप मतलब तो मतलब ये ट्राइंगल भी सेम नहीं है, इसका मतलब हम एक साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो भी नहीं चलेगा. सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई. सो विल बी यूजिंग द फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वो लंबा वाला फॉर्मूला. यहाँ पे देखो क्या है, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. दिस इज योर फॉर्मूला. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, ये है एक्स, ये है आपका वाई, सब्स्टिट्यूट करो. देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ ऑप्शन डी डी, ओके, आर यू श्योर? करेक्ट है, यस, ओके. तो देखो ऑप्शन डी है करेक्ट, कैसे आ रहा है देखते हैं. साइन इनवर्स ऑफ एक्स कौन है, 12/13 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, दैट इज 9/25, ओके, माइनस 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस 144/169. Okay, now I have to solve this. So sine inverse of 12/13 into, अगर इसको आप LCM से solve करोगे, 25 - 9 = 16/25, root ले लोगे, दोनों perfect square है, मिलेगा 4/5 minus 3/5 into, अगेन 169 - 44 = 25, 25 का रूट इज 5 एंड 169 का रूट इज 30, करेक्ट. सो देखो अभी कहा क्या क्या कट होने वाला है, यहाँ पे ये कट, ठीक है. तो दिस विल बी 13/5, 13/5, आप इसको चाहिए तो ऐसे ही रखो ताकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिले, दैट इज 65, 13/5 = 65, ओके, 12/4 - 3/5 कितना आएगा, 12/4 - 33, सो ये मिला है आपको, बट ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है. ओके, साइन इनवर्स आपको कुछ तो पाए माइनस या पाए बाय टू माइनस ऐसे फॉर्म में चाहिए. सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस, लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस. तो ये एक ट्रायंगल बनेगा आपका, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा, ठीक है, 33, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो ये ट्रिपलेट बनेगी 3365, ये वाला आपको क्या मिलेगा? आई गेस दिस विल बी 56, जस्ट चेक, एम आई करेक्ट? आई थिंक इट इज राइट, एक बार चेक करो इसको. ये ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं. और इससे मुझे कॉस इनवर्स मिलेगा 56/65, ठीक है, 56/65. और ये मिल गया. अभी कॉस को मैं लिख सकती हूँ एज पाई माइनस साइन, या पाई बाय टू माइनस साइन ना, तो मुझे मिलेगा साइन, नॉट पाई माइनस साइन. तो दैट इज ऑप्शन डी. ओके, सो 33/65 आपको कॉस में ही था, बट वो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखना चाहिए था, बट वो नहीं आएगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट वे टू राइट अप ऑप्शन डी. ओके, यस करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अभी फटाफट में जा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक वन मोर सेशन फॉर दिस नंबर. ठीक, दिस इज 5, दिस इज 6. इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, या देखो अभी ये एपी जीपी वाला क्वेश्चन भी इसमें ठूस देते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एपी चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है इनवर्स में. ओके, सो एपी बोला है एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड टैन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ वाई एंड टैन इनवर्स ऑफ जेड. यहाँ पे जेड आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, सो दिस इज जेड आर ऑल्सो इन एपी. देन सी एपी का कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन 2 × y = x + 7. यस, इसके हिसाब से बताओ 2y = x + z, करेक्ट. और ये भी तो एपी में है, तो इसका बताओ 2 × tan−y = tan−x + tan−z. करेक्ट, 2 tan−y = tan−x tan−z. ओके, नाउ ये मैंने आपको एक बताया था 2 tan−y. देखो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जल्दी से, हाँ ये वाला, नहीं 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 करेक्ट, ये वाला. मैंने क्या बोला था 2 tan−θ को मैं तीन तरह से लिख सकती हूँ, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स. तो क्या यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? यस. ओके, यस. और RHS में मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y इस फॉर्मेट में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी. Okay, so this and this formula I'm using. ये left hand side में, ये right hand side. So, just see. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ tan inverse of 2y upon 1 minus y square equals to, ये तो normal tan inverse of x + z upon 1 − xz. ठीक है, समझा है? tan inverse, yes. tan inverse will get cancelled. बचेगा क्या, सिर्फ 2y upon 1 − y² = x + z 1 − xz. बट देखो इक्वेशन वन में क्या लिखा है हमने, 2y = x + z. हाँ, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ.
कैंसिल आउट हो जाएगा ना न्यूमरेटर, सेम सेम है yes. फिर देयरफॉर yes. क्या बचा, वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स जेड, ये वन माइनस भी कट हो जाएगा, क्या बचा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड. अभी ये किसका जनरल फॉर्मेट है, जीपी का है ना, दिस इज जीपी, मतलब एक्स वाई जेड आर इन जीपी. अभी एक्स वाई जेड एपी भी है, एक्स वाई जेड जीपी भी है, एपी आपको क्वेश्चन में ही दिया है, तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा, विच नंबर्स, थ्री नंबर्स विल बी इन जीपी एज वेल एज एपी. देखो ट्राई करके देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो. वन करेक्ट. तो अगर आप सेम नंबर्स लेते हो, मतलब एक्स वाई जेड वन 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 है, तो वो एपी में भी है, जीपी में भी है. कैसे, एपी में कॉमन डिफरेंस विल बी जीरो करेक्ट, एंड जीपी में आर रेशियो विल बी वन. अगर एक्स वाई जेड टू 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 है, एक्स वाई जेड थ्री 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 है, तो वो एपी में भी आएगा, जीपी में भी आएगा, बट बाकी कोई भी फॉर्मेट नहीं अब पॉसिबल है. सो योर ऑप्शन इज ए. तो हमेशा याद रखो, अगर थ्री नंबर्स आर इन एपी एज वेल एज जीपी, मतलब वो तीनों नंबर सेम है. ओके ऑप्शन ए, गेटिंग एवरीवन? यस यस. मैं थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड कर रही हूँ सो दैट ये कंप्लीट हो जाए हमारा, फिर वापस इस पे आना नहीं पड़ेगा. अगर किसी को कॉलेज है तो यू कैन लीव, ओके, अदरवाइज जस्ट थोड़ा और 15 मिनट्स 10 टू 15 मिनट्स हम लोग करेंगे. हाँ, नंबर 7. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव दीज क्वेश्चन. ओके साक्षी, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन. देखो अभी बोला है आपको क्लियर कट कि सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज अज्यूम करो, मतलब पीवीवी. सेट द सेट ए इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x equals to pi by 4. तो ये जो सेट है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इफ यू सॉल्व दिस, तो आपको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, और सिर्फ आपको पीवीपी अज्यूम करना है, तो आपको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, कि यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रहे हैं, मोर देन टू वैल्यूज मिल रहे हैं, सिंगल टर्न. आपने सेट्स पढ़ा है ना, सिंगल टर्न सेट क्या होता है, एलिमेंट रहते, सिंगल एलिमेंट, एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट, ठीक है. तो ऐसा क्या मिल रहा है आपको, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन, कितने वैल्यूज मिल रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. सो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व दिस. ओके, सो टैन इनवर्स ऑफ 2x प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3x equals to pi by 4. Very easily, we can solve it as tan inverse of 2x plus 3x upon 1 minus 6x equals to pi by 4. ठीक है, tan inverse को लेके जाओ उस साइड, 2x plus 3x upon 1 minus 6x tan pi by 4, which is nothing but 1. Correct? तो मैं डिनोमिनेटर को भी लेके जाती हूँ, 2x plus 3x equals to 1 minus 6x, ये होगा 5x, 1 minus 6x, correct? So, what will this be? 6x square आएगा. हाँ, sorry, x square, ठीक है? तो ये एक आपको equation मिलेगा ना, that is 6x square minus plus 5x minus 1 equals to 0. इससे मुझे factors मिल सकते हैं क्या x के, मुझे value चाहिए x का, x कितने value, हाँ, so
अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/6 and -1. करेक्ट ना, 1/6 and -1. तो ये देख के आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे दो वैल्यूज मिल रहे हैं, बट क्या माइनस वन पीवीबी या फिर प्रिंसिपल वैल्यू में आ सकता है? क्योंकि उधर से राउंड ओपन ब्रैकेट है. यस करेक्ट, सो इट विल नॉट बी माइनस वन. ओके, बिकॉज टैन इनवर्स का पीवीबी या फिर प्रिंसिपल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. सो ओनली सी दिस विल नॉट बी देयर. ओके, बिकॉज इट इज रिजेक्टेड, इट डजंट फिट इन आवर कंडीशन. सो यू गेट ओनली वन आंसर, x इक्वल टू 1/6. ओके, सो हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट. तो ये जो सेट बना है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, देयरफॉर इट इज अ सिंगलटन. ओके, देखो कैसे घुमा फिरा के अब ये सेट्स का क्वेश्चन बन गया, बट इसमें इनवर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, ऑप्शन सी. ओके, सो इस तरह से इनवर्स ट्रिगो कहीं पे भी आ जा सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है वो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ अभी हाँ, दिस इज अ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वाला सा, ठीक है? तो मैंने बहुत ऐसे चुन चुन के ये क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट हमें ये आइडिया आ जाए कि इनवर्स ट्रिगो कहीं पे भी जा सकता है, आपको फॉर्मूलेस पता होने ही चाहिए. ओके, चलिए देखो, ध्यान से देखो इसको. इफ f dash of x बोला है equals to tan inverse of sec x plus tan x, और x कहाँ पे लाए कर रहा है, minus pi by 2 to pi by 2. Now this is PVB only for tan inverse. And f of 0 equals to 0 बोला है, ठीक है? तो f of 1 हमें find out करना है. Okay? So f dash दिया है, derivative दिया है, आपको f of 1 normal equation find out करना है. Okay? So सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन वॉट एवर इज गिवन. टैन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है? सेक एक्स प्लस टैन एक्स. अभी क्या मैं इन दोनों को साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? हाँ, हाँ राइट. तो डायरेक्टली लिखो चलेगा? ओके, मैंने डायरेक्टली लिख लिया. अभी 1 + sin x को हम और हम साइन को कॉस में लिखूंगी, कॉस को साइन में लिखूंगी, ठीक है? दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 1 + साइन को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस या फिर प्लस एक्स करके, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन आ जाएगा. अपॉन कॉस को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स. ओके, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में लिख दिया. नाउ 1 - cos θ, यूज द डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मुलेस. सो 1 - cos 2θ will be 2 sin² θ/2. Yes, so 2 sin² θ/2 करना है हमें, ठीक है? सो pi by 2/2 will be pi by 4 plus x/2. upon इसको भी सेम sin 2 थीटा है ये, सपोज तो इस विल बी 2 sin θ/2 cos θ/2. ओके, 1 - cos 2θ sin 2θ, 2 sin² θ/2, 2 sin θ cos θ/2.
टू टू नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, तभी वो बनेगा cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूलेज मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं यहाँ पे। अभी क्या क्या कैंसिल होगा, टू टू कैंसिल, ये पूरा साइन का टर्म ये कैंसिल, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस दैट इज टैन, ऑप्शन डी, यस करेक्ट, टैन इनवर्स टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, ये बट दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स कौन बनेगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ओके, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अगर मुझे अभी एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि हमें एफ ऑफ वन में चाहिए, तो सुशील आपने इसको इंटीग्रेट किया था, डायरेक्ट बोला, हाँ, इंटीग्रेशन करने के बाद होना चाहिए। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें मिलेगा x equal to pi by 4x और x square by pi by 4. Yes. 4. Correct. So ये dx है suppose यहाँ पे, so this will be pi by 4 integral dx plus 1 by 2 integral x dx. इंटीग्रेशन चल रहा है ना आपका ऑलरेडी, तो यू शुड अंडरस्टैंड नाउ इंटीग्रेशन आल्सो, राइट। सो कम ऑन, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा पाई बाय फोर इंटू एक्स प्लस ये बनेगा वन बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय फोर, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया, बराबर। ठीक है, ये मिल गया, बट हमें चाहिए क्या, हाँ, टू फाइंड एफ ऑफ वन, तो एक्स के जगह पे वन डालो, पाई बाय फोर प्लस वन बाय फोर, दैट इज योर आंसर, पाई प्लस वन बाय फोर, ऑप्शन डी। तो ऐसे किया था आपने सुशील, यस यस। सो देखा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में भी इसको घुसा दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बट इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। सो पहले ही मैंने उसको पाई बाय टू के फॉर्म में लिख लिया, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे पाई 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 एंड डिनोमिनेटर में कुछ तो है, सो ऐसे ही मैंने पहले ही कर लिया, सो दैट आई कैन गेट दिस। ठीक है, बट हाँ, यही पे डायरेक्टली मत सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज हमको एफ ऑफ वन पूछा है और गिवन इज एफ डैश, सो यू हैव टू इंटीग्रेट इट फर्स्ट, यस, ओके। हाँ, ओनली लास्ट टू सम्स रिमेनिंग, नंबर नाइन, लेट tan inverse of y equals to tan inverse of x plus this, where x is less than 1 by root 3, mod of x is less than 1 by root 3, then the value of y is, value of y pucha hai. So, kaise kare? Mod 2x by 1 plus x square ko 2 tan inverse x, etc. तो tan इनवर्स x ऑफ tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो, इसको मैं tan इनवर्स ऑफ x लिखू, बट यहाँ पे tan नहीं है ना, tan इनवर्स होना चाहिए था इसके बाहर, तभी लिख सकते थे, तो वो वैसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे tan inverse of y equals to tan inverse of x plus, सिर्फ ब्रैकेट दिया है, उसके बाहर कुछ नहीं है, ये दिया है, मुझे y चाहिए, तो मैं y को साइड में ही रखती हूँ, इसके साथ कुछ करती हूँ। ठीक है, तो इसको ले लो x, इसको पूरा tan inverse of x, क्वेश्चन गलत है क्या, यहाँ पे tan inverse आना चाहिए एक्चुअली, लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन, एक मिनट,
नहीं तो ये सॉल्व भी नहीं होगा. यस यहाँ पे टैन इनवर्स आएगा. फिर अगर टैन इनवर्स आता है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टू इनवर्स एक्स. हाँ टू टैन इनवर्स एक्स. So tan inverse x plus 2 tan inverse x. तो ये बनेगा 3 tan inverse x. But फिर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? क्या आपको 3 tan inverse x का फॉर्मूला पता है? हमें, मुझे तो नहीं पता. राइट हाँ तो शायद ये वाला पॉसिबल नहीं होगा ट्राई करने के लिए. बट वॉट कैन आई डू, आई कैन टेक दिस एज एक्स एंड इस पूरे को वाई ले लो. टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई करते हैं, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर. अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो x इंटू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ये मैंने कर दिया, x और y वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया. इसके बाद इफ यू सिंप्लीफाई दिस, मतलब इक्वेशन एलसीएम वगैरह लेके इफ वी सिंप्लीफाई, तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन, x माइनस x cube plus 2x upon 1 minus x square minus 2x square. ठीक है तो क्या किया मैंने, एलसीएम लिया. आपका डिनोमिनेटर कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा. इसको एलसीएम लेने के बाद जो भी बचता है वो मैंने लिखा. ठीक है न्यूमरेटर दोनों के. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये देखो क्या बनेगा, ये x प्लस टू एक्स, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये बनेगा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. ये है tan इनवर्स ऑफ y. तो tan tan निकल जाएगा, y विल बी थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. ऑप्शन मिल रहा है क्या मुझे ऐसा कुछ? यस करेक्ट, डी ऑप्शन है ना. ओके या सो दैट इज द करेक्ट वन. समझा है? यस मैम. ठीक ओके. लास्ट सम फॉर द डे. ओके यस, द वैल्यू ऑफ cot of cosec inverse of 5 pi by 3 एंड tan inverse of 2 by 3 बताओ क्या कर सकते, कैसे सॉल्व कर सकते इसको. अगर मैं कोसेक और टैन दोनों को कॉट कॉट के फॉर्म में लेके आओ या टैन टैन के फॉर्म में लेके आओ तो भी चलेगा. व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स तो सेम नहीं आने वाले. इट इज नॉट द सेम पाइथागोरस ट्रिपलेट. दिस इज 4 5 थ्री 4 5. ठीक है एंड दिस इज समथिंग एल्स. सो व्हाट कैन आई डू इज मैं इसको टैन में लेके आती हूँ कोसेक. दिस इज अगर कोसेक है that is 1 upon sin, so 5 and this is 3, तो ये बनेगा 4. तो यहाँ से मुझे tan inverse क्या मिलेगा, tan inverse will be 3 by 4 plus tan inverse 2 by 3. ठीक है again tan inverse of x plus tan inverse of y वाला formula, cot को ऐसे ही रखो, tan inverse of 3 by 4 plus 2 by 3 upon 1 minus 3 by 4 into 2 by 3.
जाएगा ब्रैकेट यहाँ पे. सो कॉट ऑफ टेन इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 कितना आ रहा है बताओ. ये तो आएगा 1 - 6/12 17/6 करेक्ट 17/6 बट ये है टेन इनवर्स ये है कॉट. तो अगर मैं इसको उल्टा ले लू कॉट इनवर्स 6/17 करेक्ट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 6/17 तो आंसर इज 6/17 विच इज ऑप्शन ए. ओके सो दिस वाज अ इजी सम. ठीक है समझे हो. ओके ग्रेट ग्रेट. ओके सो यस खत्म हो चुके हैं. सो 10 सम्स किए बट बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने किए हैं. यू हैव सीन हाउ इनवर्स हैज कम इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. इट हैज आल्सो कम इन सीक्वेंस एंड सीरीज. इट हैज आल्सो कम इन सेट्स. ओके तो काफी सारे फॉर्मेट्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में आते हैं. हमने शॉर्टकट्स भी देखा. हमने एग्जैक्ट वही चैप्टर का भी देखा है. सो देयर आर मेनी बट यस और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छे से ये आएगा. ठीक है यस सो पॉइंट बीइंग